आज हमारा रैंक पुशिंग का तीसरा दिन। आज की वीडियो में एक खास टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। मतलब मैंने रैंक पुशिंग तो छोड़ दी थी, जैसा कि आप सभी को पता है, दोबारा स्टार्ट किया है एक साल बाद, लगभग एक साल बाद रैंक पुश कर रहा हूँ। तो मुझे पता नहीं था कि ये क्या आजकल सीन चल रहा है। तो अब रैंक पुश स्टार्ट किया तो समझ में आ रहा है कि भाई कितने हैकर आ रहे हैं, और हैकर भी अजीब टाइप के, सर्वर ही फ्रीज कर देते हैं, और कभी कभी तो ऐसा सर्वर फ्रीज करते हैं कि भाई बंदा एग्जिट ही हो जाता है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूं, एंड इसके फायदे नुकसान भी बताऊंगा, इससे आपकी रैंक पुशिंग में कैसे आपको मदद मिलेगी, इस वीडियो को एंड तक देखना, एंड उन हैकर्स की चुल कैसे आज मैं मिटाता हूं वो भी आप देखना। सबसे पहली बात, यहां पर चलते हैं, इस मैच की बात करते हैं। इस वाले मैच में होता क्या सीन है, आराम से हम जा रहे थे, मुझे लग रहा था नॉर्मल मैच है, 100 के 100 बंदे प्लेन में थे। जैसे ही मैं लैंडिंग करता हूँ, लैंडिंग करने के बाद क्या होता है वो आप देखना। इस बार जो मैं दिखाने वाला हूँ वो कुछ अलग ही है, मेरे साथ पहली बार हुआ था तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर करूँ। तो जैसे ही मैं अपनी लोकेशन पे पहुँचने वाला था, मैं लैंडिंग करता हूँ, ठीक है, मैंने लैंडिंग की। लैंडिंग करने के बाद यहाँ पर मैं आराम से, जैसे नॉर्मल बंदा लैंड करता है उसी स्पीड में, 234 या फिर 33-34 ऐसी कुछ हाइएस्ट स्पीड है, ठीक है, उस हिसाब से मैं लैंड कर रहा था। एंड लैंडिंग करते ही होता है क्या सीन है, मैं पूरी क्लिप दिखा रहा हूँ, मैं कुछ कट नहीं कर रहा, ठीक है, सब कुछ आपके सामने है। जैसे ही मैं पानी के अंदर पहुँचता हूँ, बंदा सर्वर फ्रीज कर देता है, और सर्वर फ्रीज का पता कैसे चलेगा, आपकी पिंग एकदम से हाई हो जाएगी और वो चली जाएगी 600-700 पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेरा बंदा हवा में उड़ने लग जाता है, पिंग पहुँच जाती है 600 के आसपास। अब इस वाले मैच में पता नहीं कैसा उसने सिस्टम लगाया था कि यहाँ पर सीधा आ जाता है ओके का बटन, और जैसे ही मैं ओके करता हूँ सीधा मैं बाहर फेंक दिया जाता हूँ, और इसके बाद मेरे को ना ज्वाइन करने का बटन आता है, ना ही मेरा मतलब कुछ माइनस होता है, ना ही ये मैच मेरा काउंट होता है। तो इसमें आपको ये फायदा मिलेगा, जब आपको ओके का बटन आ जाएगा ना तो आपका माइनस नहीं होगा, मेरा तो माइनस नहीं हुआ एंड ना ही ये मैच काउंट हुआ, मैंने बाद में चेक किया था। तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ है या नहीं हुआ मेरे को कमेंट करके बताना, डेट एंड टाइम आप ऊपर देख सकते हो। एंड मैं अपने नए डिवाइस पे खेल रहा था जो कि है फोल्ड 6। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, जब आपका ओके का बटन आ जाए तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अब आते हैं दूसरे गेम प्ले पे, ठीक है, दूसरे गेम प्ले पे क्या होता है वो आपको मैं दिखाता हूं। अब ये था हमारा आज का दूसरा गेम प्ले, इसमें आप पिंग की तरफ ध्यान दो, ठीक है, पिंग से ही सब कुछ आपको पता चलेगा। पिंग मेरी चल रही है 28, 32, 40, है ना, नॉर्मल चल रही है, और जैसे ही मैच स्टार्ट होने वाला होता है सिर्फ 3 सेकंड बचते हैं और तभी यहाँ पर फ्रीज हो जाता है। और भाई फ्रीज होने के बाद जो हुआ है मेरे साथ, मतलब मैं यहीं पर अटका रह गया, यहाँ से 40 से पिंग देखना कहाँ जाएगी, 500 से सीधा जाएगी 600 से जाएगी 700, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका स्कैम होता है, एंड रैंक पुशिंग में बहुत प्रॉब्लम होने लग गई, बहुत ज़्यादा। बीजेएमआई वाले इस प्रॉब्लम को क्यों नहीं सोल्व कर रहे मुझे नहीं पता, बट बीजेएमआई वालों को कुछ तो सोचना चाहिए यार, यूजर्स के बारे में कुछ तो सोचना चाहिए। एंड ये प्रॉब्लम एक दो दिन की नहीं है, ये बहुत टाइम से प्रॉब्लम है, ठीक है। और रैंक पुशिंग मैंने अभी स्टार्ट की है, जो पहले से पुश कर रहे हैं उनको कितनी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। एंड मान के चलो किसी ने बहुत ज़्यादा खेला, मतलब मान के चलो आज भी 6 घंटा खेला, कल भी 6 घंटा खेला, परसों भी 6 घंटा खेला, 6-6 घंटे खेल के उसने 4-5 दिन में एस लगा दिया। एस के बाद अगला बंदा थोड़े से पॉइंट चाहिए कॉन्कर करने के लिए, वो खेल रहा है और उसका सर्वर फ्रीज हो जाए, सर्वर फ्रीज होने के बाद उसका मैच भी काउंट हो जाए एंड उसका माइनस भी हो जाए एंड उसका मैच भी एग्जिट हो जाए। मान के चलो भाई एस पे उसको 40-50 का माइनस लग जाए, भाई उसके ऊपर क्या बीतेगी, और वो 40-50 प्लस करने के लिए उसको पूरा दिन लग जाएगा, एंड वो माइनस एक मैच के अंदर हो जाएगा, वो भी बिना किसी गलती के, बिना खेले, बंदे को खेलने भी नहीं दिया जा रहा भाई, सर्वर को ही फ्रीज कर दिया जा रहा है। अब आप देखो आपके सामने कितनी देर तक सर्वर फ्रीज है, और अब इसका मैं सोल्यूशन बताता हूँ जिनको नहीं पता, काफ़ी सारे जो प्रो प्लेयर्स हैं उनको तो पता होगा इसका सोल्यूशन, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। आपको मैच को एग्जिट नहीं करना, आपको गेम को रीस्टार्ट नहीं करना, जब आपका सर्वर फ्रीज हो जाए आपको वेट करते रहना है जब तक आप वेट कर सकते हो, चाहे 5 मिनट का वेट करो, चाहे 10 का, चाहे 15 का, आपको वेट करते रहना है। जब आप वेट करते रहोगे ये सर्वर फ्रीज ऑटोमेटिक खुल जाएगा आपका, ठीक है ना, और आपका मैच शुरू से स्टार्ट हो जाएगा, एंड वो मैच आपका माइनस भी नहीं होगा एंड काउंट भी होगा। अगर आप एग्जिट कर देते हो, या फिर आप एग्जिट की जगह मान के चलो आप एग्जिट के साथ साथ रीस्टार्ट भी कर देते हो, तब भी आपका माइनस लगेगा, वो भी 30-40-50 का माइनस लगेगा अगर आपकी हाई रैंक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब देख लो अभी तक सर्वर फ्रीज है, मैंने कितना सारा कुछ आपको बता भी दिया, अभी तक सर्वर फ्रीज है, और इस मैच में मानोगे नहीं आप, मैं चिकन डिनर करता हूं। जब आपके मैच में हैकर आता है आपको सर्वाइव कैसे करना है, स्पेशली आज की वीडियो में यही बताने वाला हूं।
अब सर्वर फ्रीज की प्रॉब्लम काफी सारे बंदों को आ रही है, तो इस वजह से मैंने सोचा इसके ऊपर मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए। वैसे तो मेरे पास 15-20 किल वाला भी गेम प्ले था, बट मैंने सोचा कि इस चीज पे एक वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि ये जरूरी है ना। मैं चाहता तो 15-20 किल वाला गेम प्ले डाल सकता था, इस वाले को ना डालता जिसमें मेरे कम किल हैं। अब इसमें सर्वर फ्रीज वाला हैकर आया था तो मैं ज्यादा किल्स कैसे कर सकता हूं? अगर मैं किल्स करने जाऊंगा हैकर मार देगा, और वही होता है मेरे साथ। एंड आप मानोगे नहीं, एंड में हैकर को मार के हम चिकन डिनर करते हैं। कैसे वो आप देखो। सबसे पहले इस फ्रीज को खत्म होने का वेट करते हैं। अब यहां पर वेट करते करते मुझे हो गए थे 7 से 8 मिनट। हां जी, सही सुना आपने, 7 से 8 मिनट होने के बाद यहां पर ऑटोमेटिक मेरा जो फ्रीज है वो हट जाता है। एंड यहां पर अभी आप देखोगे प्लेयर ऊपर देखो 99 लिखे हैं। जैसे ही मेरा मैच स्टार्ट होता है ना, यहां पर देखो सारा कुछ एकदम से गायब होता है। एंड यहां पर मेरा मैच स्टार्ट होता है, प्लेन आता है, एंड जैसे नॉर्मल गेम स्टार्ट होता है वैसे ही सब कुछ होता है। एंड यहां पर प्लेयर्स देखना जिन्होंने तो एग्जिट कर दिया, कुछ बंदों का एग्जिट काउंट हो जाता है, कुछ का नहीं होता। देखो 88 बंदे लिखे आ रहे हैं, मतलब कि 12 बंदों ने या फिर 11 बंदों ने एग्जिट कर दिया। अब यहाँ पर मुझे तो पता था इस मैच में हैकर है, बट यहाँ पर मैं रिस्क लेना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं एंड में जाऊँ, जो ऑफलाइन प्लेयर्स हैं ना उनको मारने की कोशिश करूँ, एंड पता चले कि हैकर कौन है एंड वहाँ पर सीन क्या होता है वो देखो आप। अब यहाँ पर मैंने रिस्क बहुत बड़ा लिया था, आपको रिस्क नहीं लेना है क्योंकि रिस्क लोगे तो आपके साथ इश्क हो जाएगा, ठीक है ना। इश्क किसके साथ होगा? हैकर के साथ। हैकर आपको चुम्मी दे देगा इतनी तगड़ी वाली जिसका माइनस आप झेल नहीं पाओगे। तो यहाँ पर मेरी रैंक अभी ज़्यादा थी नहीं, तो मैंने सोचा चलो मेरा माइनस भी नहीं होता क्योंकि रेटिंग प्रोटेक्शन लग जाता मेरा, है ना। तो यहाँ पर मैंने गाड़ी उठाई एंड मैंने सोचा कि चलो देखते हैं कुछ ऑफलाइन प्लेयर्स मिलेंगे तो उनको मारेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं शैक पे उतरता हूँ क्योंकि मुझे गन की भी जरूरत थी, अगर वहाँ पर मुझे हैकर मिल जाता तो मैं हैकर के साथ फाइट कर सकता था, है ना। बट यहाँ पर मुझे, मेरी किस्मत इतनी गंदी है, सिर्फ तलवार मिलती है। मैं इधर से निकलता हूँ, मैं किल की लालच में नहीं था, मैंने सिर्फ ये देखना था जो फ्रीज करता है वो आता भी है मारने के लिए बंदों को या फिर क्या करता है, वो सीन देखना था, मुझे समझना था सब कुछ ताकि आपके साथ शेयर कर पाऊँ। अब दूसरे शैक पे आता हूँ, यहाँ पर मुझे पिस्टल मिलती है तो मैं पिस्टल लेके निकलता हूँ किल फीड देख के, क्योंकि किल फीड में मुझे दिख जाता है पैन से बंदा मरता है। अब पहले मुझे लगता है यही हैकर है, बट ये हैकर नहीं था जिसने सर्वर फ्रीज किया था। और जो हैकर था वो कौन था वो आपको मैं बताता हूँ, जो मुझे लगा, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको भी वही हैकर लगता है। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, मुझे बहुत बंदे दिखते हैं ऑफलाइन, जिन्होंने तो एग्जिट कर दिया उनका एग्जिट काउंट हो गया, बट जिन्होंने एग्जिट नहीं किया, जिनकी गेम ही क्रैश हो गई, जिन्होंने रीस्टार्ट किया, वो ये सारे बंदे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर गाड़ी का ग्लिच इतना गंदा है ना, मैं इतने बंदों पर गाड़ी चढ़ा रहा हूँ, सिर्फ एक ही मर रहा है। और जब तक मैं बंदों को मार रहा था तब तक यहाँ पर होता है सीन, यहाँ पर आ जाता है वो हैकर। अब यहाँ पर मैं उतरा एंड तभी मुझे गाड़ी का साउंड आया एंड मैं इधर से भागने की सोचता हूँ, तभी हैकर मेरे पे फायर करता है और इसने मेरे को कितने एचपी छोड़ा देखो। अब हैकर से मैं बच के क्यों निकल पाया, क्योंकि उसके पास एक ही गन थी एंड जब वो मुझे मारता है तो वहाँ पर एक और बंदा था हैकर के साथ साथ, जो तलवार से मार रहा था, सॉरी चक्कू से मार रहा था बंदों को, जो कि किल फीड में आपको दिख रहा होगा, करण नाम का बंदा था शायद, ठीक है। तो हैकर पहले करण को मारता है, उसके बाद हैकर का नाम देख लो, बी बैक फास्ट, ठीक है ना, इसका नाम याद रखना। ये मुझे ढूंढ ढूंढ के मारता है, और भाई ये मुझे ढूंढ ढूंढ के तो मारता है, बट एंड में जो इससे बदला लिया मैंने, भाई हैकर होने के बावजूद इसको चिकन डिनर नहीं करने दिया मैंने। अब इसका नाम यहाँ से याद रखना, इसने सारे बंदों को इसी ने मारा है, ठीक है। सर्वर फीस भी मेरे हिसाब से इसी ने किया था। अब होता क्या सीन है, यहाँ से मैं गाड़ी लेके निकल जाता हूँ, मेरी किस्मत देखो, सिर्फ एक एचपी से बंदा बचा है। मेरी किस्मत इतनी गंदी है, ये वीडियो तभी बन रही है मेरी किस्मत की वजह से। अब यहाँ से सबसे पहले मैं निकलता हूँ, मेरे हो गए थे यहाँ पर 5 किल, ठीक है, फ्री फंड में हुए थे। अगर मुझे ऑटो गन मिल जाती ना तो शायद 20 से 25-30 किल तो कर ही देता इस वाले मैच में। अब इधर से तो हम निकल गए थे, अब आगे जाके हमें सर्वाइव कैसे करना है, ठीक है, वो आपको मैं बताता हूँ। आपको पहली बात तो हैकर से पंगा लेने नहीं आना है, किल की लालच में नहीं पड़ना है, आपको सीधा उतरना है इवेंट पे। इवेंट पे उतरने के बाद आपको क्या करना है वो आपको मैं बताऊंगा। अब यहाँ से मैं जा ही रहा था, तेल खत्म हो गया, मैं भाग के जाता हूँ दूसरी गाड़ी उठाने के लिए, पीछे से वही हैकर आ जाता है मुझे मारने के लिए। अब वो डायरेक्ट मेरे पीछे कैसे आया ये सोचो, क्योंकि उसको मेरी लोकेशन का पता है। अब मैं आगे पीछे, मेरी आदत है आगे पीछे देखते देखते चलता हूँ, तभी मुझे गाड़ी दिखती है एंड जैसी मुझे गाड़ी दिखती है मैं इधर से उठाता हूँ गाड़ी एंड यहाँ पर बंदे ने मेरे को टकरा दिया, ठीक है, टकरा के ये मारता मुझे, बट तब तक मैं यहाँ पर गाड़ी लेके निकल जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये कैसे मारेगा मुझे वो देखना सबसे पहले। अब यहाँ से मैं निकलता हूँ इवेंट के लिए, और इवेंट पे जाने के बाद होता क्या वो आपको मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पर मैं पहुँच गया इवेंट पे, ठीक है, इवेंट पे पहुँचने के बाद इसका नाम देखना। मैं गाड़ी से उतरा, गाड़ी से उतरने के बाद मैं कितनी दूर तक चला जाता हूँ पहले ये देख, पानी के अंदर, और इतनी तेज़ी से जा रहा था मैं, तो जो तेज़ी वाला यूज़ करके जो हमें स्पेशल पावर मिलती है, पीछे से वो बंदा आता है मुझे मार देता है एंड
सबसे पहले मेरा काम क्या होता है बाहर निकलने के बाद, मैं चेक करूँ कि इसका नाम क्या है, और इसका नाम वही था, ठीक है, बी बैक फास्ट, ठीक है। अब मैंने समझ लिया था कि शायद अच्छा खेलता होगा बंदा, क्योंकि थोड़े थोड़े हिंट मिलते हैं उसी से कन्फर्म हो जाता है हैकर है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर ये बंदा मुझे लग रहा था, मेरे शक के दायरे में आ गया था ये कि यही हैकर है। अब मैंने सोचा ना कि इस वाले इवेंट पे जाने से अच्छा मैं दूसरे वाले इवेंट पे जाता हूँ जहाँ पर ये मुझे मारने नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये था रोजोक वाले इवेंट पे और मैं अब जा रहा हूँ नोवो वाले इवेंट पे, और आप मानोगे नहीं ये बंदा मुझे वहाँ मारने आ गया। होता क्या सीन है वो देखो आप। अब नोवो वाले इवेंट पे उतरते ही मुझे पता चलता है कि भाई एक भी बंदा इस इवेंट में नहीं है, क्योंकि भाई आधे से ज़्यादा बंदे तो भाई मर चुके हैं, ठीक है, और बहुत कम बंदे होते हैं जो दूसरे इवेंट पे जाते हैं। और किल फीड पे मुझे उसी का नाम दिख रहा था, बी बैक फास्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लूट करने की सोची, मैंने सोचा कि थोड़ी लूट करते हैं फिर इधर से निकलेंगे, ओके। तो यहाँ पर मैं लूट वगैरह करने लग जाता हूँ। अब लूट वगैरह करने के बाद इधर से मैं निकल जाता हूँ, बैंडेज वगैरह लगा रहा था क्योंकि पानी भर गया था, एंड यहाँ पर मैं थोड़ा डैमेज भी हो गया था, तो मैंने सोचा चलो इधर से निकलते हैं। अब जैसे ही मैं इधर से निकलने की सोचता हूँ तभी मेरे को बोट फायरिंग का साउंड आता है, एंड मैं हूँ रश खेलने वाला बंदा, ठीक है। जैसे ही मुझे बोट फायरिंग का साउंड आता है मैं बंदे पे पुश करने की सोचता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे बंदा दिखा तो मैंने सोचा चलो इसे थोड़ा ट्रोल करके मारते हैं, बट मुझे नहीं पता था ये हैकर है। अब यहाँ पर मैं उतरा, एंड यहाँ पर देखना मेरे पास गन देखो कौन सी है, और मैं इसे कितना मारता हूँ देखना अभी। भाई इस बंदे ने क्या मारा है, और उसके बाद ये देखो कैसे बैठ गया कि मतलब स्पेशली ट्रोल करने आया, और ये वही था। मैं दोबारा से रिपोर्ट पे जाता हूँ एंड देखता हूँ भाई ये सेम बंदे ने मुझे दोबारा मारा। तो मैं सोचता हूँ कि भाई इसको मेरे से क्या दुश्मनी है, मेरे से क्या पंगा लेने आ रहा है। तो सबसे पहले मैं करता हूँ रिपोर्ट, क्योंकि दो तीन बार मुझे हिंट मिल गए थे तो मुझे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। बाकी आप मेरे को बताओ कि मुझे ही लग रहा है या फिर ये गड़बड़ ही था। अब होता क्या सीन है, यहाँ पर मेरे 5 ही किल हैं। अब मुझे दिमाग लगा के खेलना था। अब मैं सोचता हूँ कि इवेंट पे नहीं जाऊँगा, इवेंट पे जाने से बढ़िया है मैं पीछे जाऊँ उस वाले इवेंट पे जो कि ओपन ही नहीं हुआ है, उस वाले इवेंट पे जाके मुझे सर्वाइव कैसे करना है। सबसे पहले जितनी हेल्थ किट आपको मिलती है सारी उठा लो, मेड किट मिलती है सारी उठा लो, जो जो आपको सामान मिल रहा है हीलिंग का सब उठा लो, एमओ फेंक दो, गन फेंक दो, सब कुछ फेंक दो, नेड वेड सब फेंक दो। जब आपके मैच में हैकर है ना, सिर्फ आपको हीलिंग ही बचा सकती है। अब हीलिंग करने के बाद आपको करना क्या है वो आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो इवेंट पे उतरता हूँ एंड लूट वगैरह करता हूँ। इवेंट पे उतर के यहाँ पर मैंने अच्छी खासी लूट वगैरह कर ली थी, एंड यहाँ पर जोन काफ़ी छोटा हो गया था। मेरे पास जितनी हेल्थ किट मेड किट थी सब मैंने लगा ली थी। मैं सारी क्लिप्स इस वजह से नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, बोर हो जाओगे। आपको इस गेट के पास रहना है जहाँ पर लीव का बटन आता है, क्योंकि इस गेट के पास रहोगे तो जैसे आपकी हेल्थ खत्म होगी ना, सारी बैंडेज वैंडेज सब कुछ जब खत्म हो जाएगा तब आपको लीव कर देना, आप सीधा जोन में पहुंच जाओगे। अब आपको पता है आपके मैच में हैकर है तो आपके पास यही ऑप्शन है, जितनी ज़्यादा हेल्थ किट हो जाए उठा लो, जितनी मेड किट हो जाए उठा लो, जो जो मिलता है ना हीलिंग का सामान सब उठा लो। अब एंड में बैंडेज बची थी तो मैं बैंडेज लगा रहा था, ठीक है। अब जैसे ही मुझे लगता है कि अब बैंडेज नहीं लगेगी तभी मैं एग्जिट कर देता हूँ। एग्जिट करने के बाद यहाँ पर आप किल फीड में देखना आपको कौन बंदा दिखेगा ज़्यादा अभी, ठीक है। अभी एक एजेंट करके दिख रहा है, ठीक है, एजेंट को मारेगा वही बंदा जो बी बैक करके जो हैकर का नाम मैंने लिया था, जो मुझे हैकर लग रहा है, मुझे लग रहा है हैकर है, बाकी मैं कंफर्म नहीं हूँ ये हैकर था या नहीं, बट इसको हम मारते कैसे हैं वो देखना। सबसे पहले मैं यहाँ पर जैसी जोन में आता हूँ यहाँ पर मैं होल्ड कर लेता हूँ। मुझे तो लग रहा था कि इस मैच में हैकर है क्योंकि शुरू में सर्वर फ्रीज भी हुआ था, और उसके बाद जिस हिसाब से जो बी बैक वाला बंदा है मुझे ढूंढ ढूंढ के मार रहा था, तो उस हिसाब से मुझे वो बंदा गड़बड़ी लग रहा था। तो अब होता है क्या सीन आगे वो आपको मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पर जो जोन है वो काफ़ी छोटा हो गया था एंड मुझे जोन में निकलना था। अगर मैं जोन में ना निकलता तो मेरी चटनी बाहर ही बन जाती। तो अपने को क्या करना था, पहले तो फिश निकालनी थी, फिश निकालने के बाद फिश के ऊपर बैठ के इधर से निकलना था। अब यहाँ पर फिश जरूरी है क्योंकि फिश होगी आपके पास तो हैकर जो है ना वो भी फिश पे ही उड़ रहा होगा, वो उतर के मारने की कोशिश भी करेगा तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हैकर से फाइट करनी ही पड़ेगी एंड में। तो बट एंड तक कैसे सर्वाइव करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, आप देखोगे ये शुरू से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, पहले भी इसने मुझे मारा, फिर इसने मुझे मारा, अभी भी ये मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पीछे पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर मैं इससे फाइट करना नहीं चाहता था, अभी मैं सोच रहा था कि इसे कोई और मार दे, हम दोनों के बीच में इसको उलझा के रखूँ, बट ये सामने चला जाता है एंड ये जैसे ही उतरता मुझे मार देता है, इस वजह से मैं कवर में आ जाता हूँ कि मैं नहीं चाहता था कि ये मुझे दूर से ही मार दे। अब जैसे ही मुझे पता चलता है, मुझे थोड़ा सा हिंट तो हो गया था ये वही बंदा है क्योंकि इसके मैंने कपड़े देख लिए थे। अब यहाँ पर ये पहले करेगा मेरे पे नेड, ठीक है, तो नेड करेगा मैं थोड़ा सा डैमेज होता हूँ, ओके।
डैमेज होने के बाद ये बंदा उस वाले बंदे को मार देगा जो एजेंट करके बंदा था ना, एजेंट को मार देगा, क्योंकि एजेंट बहुत बंदों को मार रहा था। अब इन दोनों की भसड़ मच जाती है, यहाँ पर आपस में लड़ पड़ते हैं ये, ठीक है। अब इसने मार दिया, बी बैक फास्ट, ठीक है। इसकी चटनी मैंने बनाई, एंड जैसे ही मैंने इसकी चटनी बनाई मैं भागा, क्योंकि इसके पास ऑटो रिवाइव वाला कार्ड था। अब मैं उतरता हूँ, पहले मैं सोचता हूँ रिवाइव होगा, नहीं भाई नहीं, और मेरे मुंह से एंड में गाली निकली भाई, बहुत गंदी वाली गाली निकली, क्योंकि भाई इस बंदे ने इस वाले मैच में मुझे टारगेट किया था, और इसको मारने के बाद जो चिकन डिनर निकला उसके बाद जो सुकून मिला भाई क्या ही बताऊं। और इस वाले मैच में मेरा प्लस भी 40 से 45 का हुआ था, मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी नहीं तो मैं प्लस भी आपको दिखा देता, बट अच्छा मैच गया। बट मैं आपको स्क्रीन पे वो दिखा दूंगा, 7 किल के साथ जो मैंने चिकन डिनर किया उसमें मेरा कितना प्लस हुआ, एंड मैं किस टायर पे था उस टाइम पे, एंड 3 दिन में मैंने एस लगा दिया, तो इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल देना। 3 दिन में बहुत जल्दी एस लगा दिया मैंने, वैसे 3 दिन में मैं कभी लगाया नहीं हूँ, और जल्दी ही हम एस से कॉन्कर भी लगाने की कोशिश करेंगे। बाकी क्या लगता है कितने दिन में मैं कॉन्कर कर पाऊँगा, बाकी मैं खेलने की कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है। आज के गेम में मैंने सिर्फ आपको दिखाया कि हैकर जब आ जाए तब सर्वाइव कैसे करना है, अगर मैं चाहता तो अच्छा गेम प्ले भी डाल सकता था जिसमें मेरे अच्छे किल हैं, बट ये गेम प्ले भी ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे बंदे अभी इस वाले सिस्टम से परेशान हो चुके हैं, ये जो सर्वर फ्रीज वाला सिस्टम चल रहा है, पता नहीं क्या है ये, पता नहीं कब ठीक होगा, नो आइडिया, बट ठीक है, मेरी तरफ से जितनी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकता हूँ मैं देने की कोशिश करता हूँ। बाकी आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।